नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कोडिंग में जाते हैं, बट देर आर अदर ऑप्शंस इन आईटी फील्ड लाइक नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड है, डेवऑप्स है। तो जो नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम है, तो इससे जो कैंडिडेट हैं सीखने के बाद, नॉक इंजीनियर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर या फिर आईटी सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये वाली बहुत सारी जॉब्स हैं। आप जाके naukri.com पे देख सकते हो और ये वाली वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। आइदर दे आर फ्रेशर्स या फिर जो पहले से ही आईटी बैकग्राउंड में है, जो डेस्कटॉप इंजीनियर की जॉब्स कर रहे हैं, आईटी सपोर्ट की जॉब्स कर रहे हैं, बट उनको अब अपग्रेड करना है नेटवर्क कोर डोमेन में, तो उनके लिए प्रोग्राम है। तो इसके अंदर हम CCNA पढ़ाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट कोर्स है, सिस्को का ये पहला ट्रैक है, तो पहले CCNA करना पड़ता है और इसको तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। फिर इसके बाद CCNP है। अब CCNP में भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो जिसमें एक जैसे CCNP एंटरप्राइज है, CCNP सिक्योरिटी है, CCNP डेटा सेंटर है, CCNP सर्विस प्रोवाइडर है। तो सबसे पहले जो भी फ्रेशर हैं या जो नए लोग नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एंटरप्राइज में जाना पड़ता है। बिकॉज अगर आप CCNA के बाद CCNP डेटा सेंटर में जाओगे तो वो एक एडवांस ट्रैक हो जाता है। तो CCNP एंटरप्राइज में हमारे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे एक एनकोर है, NRC है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बिकॉज मैं बिलीव कर रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको CCNA CCNP के बारे में नहीं पता है। तो जैसे ही आप CCNA के 30-40% टॉपिक्स कवर कर लेते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि CCNP में एनकोर NRC में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर अभी से आप डिफरेंस के बारे में सोचोगे तो नहीं समझ आएगा, बट हाँ ये मैंडेटरी है कि जिसको भी CCNP एंटरप्राइज करना है तो उसको वो एनकोर NRC दोनों मॉड्यूल करने पड़ते हैं। तो मार्केट में ऐसी आज से 8-10 साल पहले क्या होता था कि कोई CCNA CCNP भी कर रहा था तो भी काफ़ी डिमांड थी, जॉब्स मिल जाती थी। बट आज की डेट में जो भी नेटवर्क इंजीनियर की जॉब्स हैं, उसमें अगर आप फायरवॉल ऐड करते हो तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो उसकी वजह से आपके अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने। तो अब जैसे ही आप फायरवॉल करते हो तो आप नेटवर्क इंजीनियर से बन जाते हो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो हो सकता है आपकी जॉब पहले नेटवर्क इंजीनियर की लगे, ठीक है, 1-2 साल आपने काम किया फायरवॉल, फिर शायद कोई कंपनी आपको फायरवॉल ऑपरेट करने को दे दे। जो भी इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर्स फायरवॉल्स को कॉन्फिगर कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो क्या हो गए, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स हो गए। और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, जिसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं, तो उसी के अंदर ये स्मॉल समझ लो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर भी साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, जिससे आप अपनी कंपनी के नेटवर्क्स को, सर्वर्स को, इन चीज़ों को सेव कर सकते हो। तो जो भी हमारा मास्टर प्रोग्राम एनरोल कर रहा है, तो ये 3 लाइव बैचेस उनको मिलते हैं, CCNA CCNP पालो अल्टो फायरवॉल। बट हमने देखा है कि इन कोर्सेज के अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो फुलफिल करता है एक कंप्लीट नेटवर्क इंजीनियर बनने में। तो वो क्या है, CompTIA N+, जो कि नेटवर्क बेसिक्स के बारे में है। और ये फर्स्ट डे ही आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जब आप एनरोल करते हो। इसके अंदर एक टैक इंजीनियर के वीडियोस हैं। तो टैक क्या, एक सबसे हाई पेइंग जो नेटवर्किंग में जॉब्स हैं उनको टैक इंजीनियर बोला जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। तो जो भी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे सिस्को राउटर बना रही है, स्विचेस बना रही है, या फिर जूनिपर नेटवर्क्स राउटर स्विचेस वगैरह बना रहे हैं, तो वो जो भी OEMs होते हैं, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको OEMs बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जैसे एप्पल है, वो एक OEM है, ठीक है, क्योंकि वही डिवाइस बना रहा है। तो वैसे ही सिस्को के जो डिवाइसेस हैं, राउटर स्विचेस वगैरह, इनको भी OEM बोलते हैं। तो जो भी नेटवर्क डिवाइसेस की बड़ी कंपनीज हैं, उन हर कंपनी के अंदर टैक इंजीनियर चाहिए होते हैं। जैसे सिस्को डिवाइसेस बनाता है तो उसमें भी टैक इंजीनियर चाहिए, पालो अल्टो फायरवॉल बनाता है तो उसमें भी टैक इंजीनियर चाहिए, जूनिपर नेटवर्क्स भी डिवाइसेस बनाते हैं तो उसमें भी टैक इंजीनियर चाहिए। तो ये टैक इंजीनियर का एक इंटरव्यू होता है, वो बहुत डिटेल में होता है। तो नॉर्मल CCNA CCNP पढ़ा हुआ स्टूडेंट उसको क्रैक नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर बहुत डीप में जाके आपको हेडर्स, पैकेट इन्फॉर्मेशन, पैकेट फ्लो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और ये सारा कॉम्बो हमने इसी के अंदर डाला हुआ है। अब
जब आप ये कोर्सेज पढ़ोगे तो CCNP में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक AAA है, जैसे ऑथराइजेशन अकाउंटिंग ऑथराइजेशन ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी है, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स लग रहे होंगे आप लोगों को, तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सिक्योरिटी के अंदर, जैसे ट्रोजन क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, अटैक्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये एज ए बिगनर लोगों को समझना थोड़ा टफ लगता है। तो ये जो CompTIA सिक्योरिटी प्लस है, ये सिक्योरिटी के बेसिक्स कवर करता है, जो कंप्यूटर के अलग अलग तरह के वायरस हैं, अटैक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको CompTIA सिक्योरिटी में पढ़ने को मिलती हैं। और ये भी आपको फर्स्ट डे कॉन्टेंट मिल जाता है। तो जैसे ही आप ये फर्स्ट डे एनरोल मिलता है, तो आपने क्या करना है, नेटवर्क प्लस और सिक्योरिटी प्लस को देखना शुरू कर देना। इससे क्या हो गया, आपके बेसिक सब शुरू हो रहे हैं, और साइड बाय साइड आप लाइव क्लासेस ले रहे हो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं आपको दे रहे हैं। और जैसे ही आप ये दोनों करने लिए, सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क प्लस CCNA आपका लाइव चल रहा है, और जैसे ही अगर नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी प्लस आपका हो गया है, ये प्रोग्राम बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बनाया गया प्रोग्राम है, और आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू। तो CCNA के साथ या उसके बाद आप यहाँ सबसे पहले JNCIA करोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही वेंडर पे रहोगे, तो ये वही बात है कि अगर मान लो पूरी लाइफ आपने विंडोज कंप्यूटर्स चलाया और एक कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे बोला जा रहा है कि लिनक्स करो, तो शायद आपको थोड़ा टफ लगेगा, राइट। तो वैसे ही जिस भी कंपनी में आप नेटवर्क की जॉब सप्लाई करते हो, तो वहाँ सिर्फ सिस्को के राउटर नहीं होते, वहाँ पर भी जैसे अलग अलग कंपनीज के हुआवे, जूनिपर और अलग अलग कंपनीज होते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एक से ज़्यादा वेंडर पढ़े स्टूडेंट। तो JNCIA भी सिस्को की तरह ही कंपनी है, जूनिपर नेटवर्क्स, उसका ये CCNA है। तो ये नेटवर्क एसोसिएट है, ये भी आपका एसोसिएट लेवल है, जूनिपर का पहला एग्जाम है। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स इसके अंदर एडिड है। अब हमने फिर इसके बाद जैसे ही हमने CCNA करा, नेटवर्क प्लस हो गया, सिक्योरिटी प्लस हो गया, तब तक आपका JNCIA हो गया, ठीक है। यहां तक आपको बहुत अच्छे बेसिक्स हो गए आपके। अब आपने टैक इंजीनियर उसके बाद पढ़ना है, क्योंकि अगर आप टैक इंजीनियर को पहले ही पढ़ोगे तो एडवांस हो जाएगा और आप स्किप कर दोगे। फिर इसके बाद आपने टैक इंजीनियर करना है, देन यू गो फॉर CCNP के पूरे बैचेस लाइव। आपको 24/7 लैब एक्सेस मिलता है इसमें, तो आप पूरा मतलब 3-4-5-6 महीने का कोर्स है ये, ठीक है। मतलब 3 मंथ्स का एक मॉड्यूल है, तो अभी मैं 3-4-5 बोल रहा हूँ, एक मॉड्यूल कर रहे हो तो 3 मंथ्स, 2 मॉड्यूल कर रहे हो 6 महीने, और कई स्टूडेंट 3 मॉड्यूल भी करते हैं जिसमें SD-WAN ऐड हो जाता है, तो वो 9 मंथ्स तक चला जाता है। तो अब आप CCNP पढ़ रहे हो पूरा डिटेल में। अब CCNP में भी एक लेवल है, आपने OSPF पढ़ लिया, BGP पढ़ लिया, MPLS पढ़ लिया बहुत डिटेल में। अब इसके बाद भी आपको बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर आप Airtel या फिर Jio या फिर इंटरनेशनल जो ISPs हैं, AT&T, Sprint, Level 3, ठीक है, Comcast, ये जितने ब्रांड्स हैं सबके ऑफिसेस बैंगलोर में हैं, ठीक है। तो ये वाली जॉब्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ आप CCNP सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज लाइव ट्रेनिंग की डिमांड कम आती है हमारे पास CCNP सर्विस प्रोवाइडर की, बट इसमें कंटेंट बहुत अमेजिंग है। तो हमने सोचा, और ये ट्रस्ट मी, ये शायद कहीं से भी अगर आप सीखते हो तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो 2-3 times ज़्यादा होती है एक नॉर्मल CCNP से, और हमने इसको भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया हुआ है। मतलब 60-70 घंटे आपको CCNP सर्विस प्रोवाइडर का कंटेंट मिल रहा है, और इसके अलावा ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐसी जॉब्स में जा रहे हो जहाँ पे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे एक सेगमेंट राउटिंग बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरे जितने भी ISP हैं, Airtel, Jio जैसी कंपनीज, ये सब सेगमेंट राउटिंग पे जा रही हैं, वो सारा कॉन्टेंट आपको इसमें मिल रहा है। VPLS मिल रहा है, L2 VPN मिल रहा है, बहुत ये पूरा आपको ब्रोशर में मेंशन होगा कहीं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स मुझे लगता है सारे कोर्सेज की वैल्यू आराम से $1500 है, जो कि हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं जब आप ये हमारे मास्टर प्रोग्राम में एनरोल करते हो, CCNA, CCNP, Palo Alto Firewall। Palo Alto Firewall हमने क्यों ऐड करा है, बिकॉज ये नंबर 1 फायरवॉल है, इट्स लाइक फरारी ऑफ द फायरवॉल्स। तो अगर आप फरारी सीख लोगे तो कोई भी गाड़ी सीख ही लोगे, तो इसीलिए फिर भी हमें लगा कि कई बच्चों को ये एडवांस ना लगे, हमने यहाँ पे ASA फायरवॉल को कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, क्योंकि कई लोगों को लगेगा Palo Alto कोई टीचर पढ़ा रहा है तो एडवांस हो रहा है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे ASA फायरवॉल डाला है। तो ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो हो गया, ऑलमोस्ट 9 courses आ गए इसके अंदर, और आपको ये 1 year के अंदर अगर सोचो, अगर आपने पूरा पढ़ लिया, तो जो भी आपके पास सैलरी स्ट्रक्चर अभी जो चल रही हैं
तो डेफिनेटली यू विल ग्रो 2x, 3x, 4x व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ. और फ्रेशर भी अगर इतना पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहां उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि फ्रेशर को सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करना है. अपनी टेक्निकल स्किल्स जो हम दे रहे हैं, इंग्लिश के क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रही है. और तीसरा, अपना अच्छा रिज्यूम आजकल चैट जीपीटी से बन ही जाता है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम. थैंक यू.